अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह का ब्लॉग है 6-7 बजे का, जो आमीना वॉक करके आके बना रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये सुबह का मॉर्निंग व्यू हमारे किचन का, जो जाली पूरी ख़राब हो गई खिड़की से और वो दिखा रही है। थोड़ा खिड़की खोल लेती तो और अच्छा व्यू आ जाता था। तो खैर, ये बना रही है पोहा और चाय, दादी और वो खाएंगे और अम्मी पढ़ रहे होते इस वक्त, तो उनकी पढ़ाई ख़त्म होगी और फिर वो दोनों जन पोहा और चाय खाएंगे। तो मैं इस वक्त सोती रहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ उठने की फजर पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, चाय और पोहा उसका रेडी हो गया और वो दोनों इन्जॉय करेंगे इसको। और मुझे तो हवा भी नहीं लगी कब पोहा और चाय बना। फिर उसके पापा उठ गए 7 बजे। उसके पापा को भी चाय उठते से ही चाहिए होता है, और ये रात की रोटी कड़क करके तेल पे और एक रोटी और चाय वो एक कप पीना पसंद करते हैं कभी कभी। नहीं तो हमारे यहाँ तो मैं बनाती हूँ सुबह का ब्लॉग, तो आपको पता ही है चाय के साथ क्या अनसर्न हमारे साथ होता है। या तो टोस्ट तो होती है। अभी बहुत दिनों से हमने टोस्ट नहीं लाए, रमज़ान के बाद एक बार लाए थे, उसके बाद से ख़त्म हुई है तो लाए नहीं है। तो बिस्किट होती है, नहीं तो चूड़ा चिप्स होता है। तो ये हेल्दी है, फिर भी चाय पराठा हमारे यहाँ तो नागपुर में फेमस है। बड़े से छोटे घर वाले सब चाय पराठा प्रेफर करते हैं। और ये कड़क रोटी तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये कड़क चाय और कड़क रोटी इसके पापा के लिए बन रही है, तो अभी इसके पापा इंजॉय करेंगे। तो ये आमीना का सुबह का रूटीन होता है आजकल का। फजर पड़ती है, फिर थोड़ा वॉक करके आती है, फिर नाश्ता बनाती है। कभी पापा भी साथ में होते हैं, कभी पापा थोड़े लेट हो जाते हैं, लेकिन पापा भी फजर में नहीं उठते। हम कोशिश कर रहे हैं घर का डिसिप्लिन पहले जैसा करने का, क्योंकि अभी बहुत दिनों से, जब से मेरी तबीयत सही नहीं रह रही है, तब से फजर बिल्कुल अयान मैं और उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। आमीना उठती है उसकी दादी के साथ, दादी उठाते हैं, दादी सबको उठाते हैं, मगर उठती सिर्फ आमीना है। आप देखिए, दुआ कीजिए आप लोग कि हमारे घर का रूटीन भी पहले जैसा हो जाए, फजर उठे, जल्द से जल्द घर के काम हो जाते हैं, हम भी मतलब क्या फ्रेशनेस रहती है दिन भर। और लेट उठने से वो ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, एसिडिटी हो रही है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मगर क्या करूँ मैं। और रात मुझे तो ये ब्लॉग का एडिटिंग करने में भी हो जाती है ना, मेरा क्या करूँ अब आपको प्रॉब्लम नहीं बता सकती मैं कि रात को ही मैं बनाती हूँ मतलब अपना व्लॉग, समझ जाएंगे बहुत सारे लोग। तो ये देखिए, इसके पापा का नाश्ता रेडी है, रात की रोटी कड़क करके और चाय, तो इसके पापा इंजॉय करेंगे। अब आप लोग भी आ जाइए, मैं तो उठी थी जब तो खाने का टाइम हो गया था। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई, सुबह का ब्लॉग आमीना ने स्टार्ट करी थी, आपने देखा था, और मेरी हालत इतनी ख़राब है ना, क्योंकि पसीना पसीना हो गई हूँ, जा जाके हवा में बैठ रही हूँ, फिर भी मेरा वही हाल है, क्या करूँ। अभी यहाँ बन रही है इडली सांभर चटनी और साथ में बना रही हूँ मुरब्बा आम का। कल खालिद भाई मेरे को लाते दिया था आम, तो मैं इसका मुरब्बा बना रही हूँ। और फिर रोज़ रोज़ तो गुड़म्बा बनेगा ही बनेगा, पर मुरब्बा ऐसा है ना कि वो सेफ रह जाता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे घर में कैरी आई है खालिद भाई के घर से। ओके, हाँ हाँ, नहीं छोटा है वो। तो चलिए, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए इडली। तो ये देखिए, रात के 9:30 बजे, नहीं 9 बज रहा है अभी, और आमीना ने भी बनाया रोटी का, गेहूं की रोटी का पिज्जा, पनीर पिज्जा। अभी हमने, हाँ पराठा नहीं है, बॉईल करके बनाई है, इसमें फ्राई नहीं है, क्या रोटी स्टीम करी है। हाँ, फिर उसके बाद वो हुआ है थोड़ा सा, फिर मक्खन से वो करिए ना आखिरी में। पहले बेस बनाई है स्टीम करके गेहूं के आटे का, और उसके बाद फिर उसको तवे पे रखिए मक्खन लगा के, देखे कैसा लग रहा है।
इसकी रेसिपी किस किस को चाहिए कमेंट में बताना, तो फिर आपको मिलेगी, ठीक है ना। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। कैसा है? और बना रहा था, क्या होता है, ये अच्छा है। चुंचू मेरा छोटा सा चुंचू, मामा का ऑर्डर सुनना। ये आया है इनके ऑफिस का और क्या बोलते पार्सल बुक्स का। वहाँ इतनी बुक्स रखी है, इनको कितना काम है। हाँ चले आइए अंदर, अंदर चप्पल उतार के। चप्पल निकाल रही है। हाँ सामान सुनो, छोटा सा सुनो मेरा बैठा है इधर में। अरे बाबा गेट के बाहर थी अभी। पता नहीं कितने हैं। देखो चींटी से उसके हाथों में ना पूरी काली चींटियां चढ़ गई। उसने ही छात लगा दी वहां पे उसके घर पे। उरु हटो वहां से। आजकल तारीख क्या तेरी सही है? तो जी ये फिर रात में हमारा बना था बैगन दही वाले तड़का लगा के। तो ये देखिए हम लोग रात को एंजॉय कर रहे हैं रोटी और गरम चावल के साथ। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने व्लॉग में दी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स में जाके देख सकते हो। जिनको ना देखना है और चाहिए मैं और एक बार दूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर व्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? तो कल हमारे यहाँ जो बुक्स आई थी ना उसकी काउंटिंग चल रही है, तो हम वो करने जा रहे हैं मैं और इसके पापा। और यहाँ पे चुहिया के लिए दरवाज़ा बंद करके रखे मगर मेरे पीछे ही पीछे है, तो चलिए। और जी मम्मा वो बुक्स जमी है। हाँ बाबा क्या कर रहे हैं आप? इतने में ही भर गया वो तो, इतने में ही भर गया। 10-30 रुपए। हाँ तो फिर कहाँ रखेंगे आप? ऊपर का भी खाली करना पड़ेगा। ये सब ना मेरे पुराने, हाँ ये सब ना मेरे पुराने चादर और पर्दे थे, ये मैं दे दे रही हूँ। अभी नए नए दिला दिए ना, बहुत सारे हो गए, 6 चादर हो गई और पर्दे का तो सेट ही दिला दिए 3। तो फिर अब ये सब मैं दे दे रही हूँ। हाँ लगती है ये तो। वो गोदड़ी है, 2 गोदड़ी मेरे पास बचाई, मैंने सब तो दे दी हूँ। नहीं 2 नहीं है, 4 गोदड़ी है। तो ये मेरी आया ने ना, कोई भी उसके साथ आते भाई लोग उसके, तो यहाँ सोता है तो गोदड़ी बिछा के सोता है। अभी गद्दे बनवाना है मेरे को, रेडीमेड वाले लूँगी मैं 10 लोग के। और वो सब हम लोग बिलासपुर से है ना जो धुले कपड़े, वो है अभी हटाना ही पड़ेगा इनकी बुक्स के लिए। और पोहे के चूड़ा बनाना है तो उसका मटेरियल आने का है। नजरे उसकी बताती हूँ गुस्सा। तो ये तो अभी अभी की चीज है ना। मासी तो हरी खा के जाना, उसको तो फेवरेट ही है। मम्मा तो हिला रही ना उसको, छिन 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 आवाज। अरे मेरा छोटा सा भाई बहन का प्यार देखो। जो गेट के अंदर रहता जो, क्यों तुमने क्या लिया मार किसी को? मेरा भोलू, ए भोला बाबा,
उठो ना भैया, चलो ना खेलने। मेरा बच्चा, उसकी नींद से उसको उठाइए। देख देख उसकी सवारी देख, उसको पीठ में बिठा के घुमा। बोलते हो ना वहां से आई थी वो गेट, वो वाले रूम से यहाँ तक के। अब खाना याद आ गया क्या? इसके लिए सुबह से रो रही है। बाहर जाने दो, बाहर जाने दो। एक दिन घर में नहीं रह सकती है लड़की। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, रो रही एक एक के पास जाके। इतना गर्म हो रहा है। और यहाँ मेरा बड़ा बच्चे को देखो, इसको जरा नहीं है। ये तो डर रहा है, वो क्यों जा रही? वो आती है अंदर ना तो उसको प्यार करता है, क्यों जा रही बाहर? इतनी गर्म हो रहा है, एक हवा नहीं है। 5-10 मिनट से बाहर हूँ उसके साथ, तो पूरा पसीना पसीना हो। हाल बे हाल है, अंदर कूलर के बगैर बैठने नहीं हो रहा। और इसको देखो खेल सूझा है। क्या करूँ, ये लड़की का बेल्ट बांधी हूँ, अब इसके ना वो नहीं मिल रही पकड़ने वाली रस्सी। आजा पूरी, आजा बेटी। जूम की क्लैरिटी नहीं दिख रही है ना। आई इसको तो देखो, वहां वहां तक के भाग भाग के जा रही है लड़की। चौकन्नी है पूरी। हाँ, मिट्टी में लोटना है उसको ऐसे। देखे देखा। थक गई गर्मी से, मगर इसका टच करेगी देखना। ये जाम, इसका जाम देखो कितना हाई है। बहुत तेज है ये लड़की। मुंह देखो उसका, थक के चूर है एक नंबर। चलो आप पानी पियेंगे अंदर, चलो हुरु, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे बेटा। थक गई है। अरे अरे बंदर का बच्चा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। आपको आई होप अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। सही में बंदर दिख रही है। चल अंदर यार, तुम्हें को